नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कारवाल। स्वागत है आप सबका कारवाल मिस्टी के ऑनलाइन पोर्टल पे। दोस्तों आज अपन इस वीडियोस में बात करने वाले हैं राजस्थान से जुड़ी हुई समस्त भर्तियों की, जो भर्तियां यहाँ पे हुई नहीं, जिनके एग्ज़ाम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए गए थे लेकिन अभी इनको सबको पोस्टपोन यहाँ पे कर दिया गया है। तो उन सभी भर्तियों के बारे में अपन जानकारी यहाँ से इस वीडियोज़ के माध्यम से लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपन वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। देख रहे होंगे न्यूज़पेपर की पेपर कटिंग, जो आज के पेपर की मैं बात करने वाला हूँ, यानी 3 अप्रैल 2020 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ इस वीडियोज़ के माध्यम से। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ये 5 भर्तियां जो होनी थी, इन सभी भर्तियों को यहाँ पे बोर्ड के द्वारा या फिर जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा या फिर आरपीएससी के द्वारा यहाँ पे स्थगित यहाँ पे कर दिया गया है। और आगे एग्ज़ाम्स पर भी यहाँ संकट मंडरा रहा है। जो आगे जो एग्ज़ाम्स होने थे आरपीएससी के या विभिन्न प्रकार के बोर्ड्स के, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर संकट मंडरा रहा है कि ये एग्ज़ाम्स तय सीमा पर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, तो आरएएस की थी जो 1017 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई थी, 2018 के अंदर ही वैकेंसी निकाली थी। हालांकि इसका मेंस यहाँ पे करवा लिया गया था, परंतु मेंस का एग्ज़ाम अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, तो इस कारण से ये भर्ती अटकी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टेबल एग्ज़ाम्स की, जो 2019 में निकली थी, और जिसके पदों की संख्या बात करें तो 5438 यहाँ पे कुल पद थे। तो इनके ऊपर भी यहाँ पे एग्ज़ाम डेट यहाँ पे मई के अंदर डाल दी गई थी 2020 के अंदर, जो अभी आने वाला मई एक दो महीने बाद में यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम डेट रिलीज भी कर दी गई थी कुछ दिन पहले। परंतु जिस दौरान कोरोना वायरस को देखते हुए इस भर्ती को भी यहाँ पे पोस्टपोन्ड होने की कंगार पर ये चल रही है। आगे अपन बात करते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और थर्ड की बात कर लेते हैं। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे कुल 12 पद थे, आरपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी, 2018 के अंदर ये वैकेंसी निकली थी। तो इसके अंदर भी जो एग्ज़ाम्स होना था वो अपना 29 अप्रैल को होना था, लेकिन वो कोरोना वायरस के चलते हुए इसको भी यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है। मैं ग्रेड थर्ड की बात करता हूँ, लाइब्रेरियन के जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा निकाली गई थी, जिसके कुल पद 700 थे, इस भर्ती को भी आगे यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया। हालाँकि ये भर्ती 12 अप्रैल 2020 को होनी थी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, तो पशु चिकित्सक अधिकारी या तो वेटनरी ऑफिसर जो थे, तो उनके अंदर भी जो 900 वैकेंसी निकाली गई थी 900 पदों पे, तो 2019 के अंदर ही वैकेंसी निकाली गई थी। इसके एग्ज़ाम्स जो थे वो अभी होने थे अप्रैल माह में, तो इसको भी यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट अपन चलते हैं फार्मासिस्ट भर्ती की तरफ, तो यहाँ पे 1538 पद यहाँ पे कुल निकाले गए थे, तो उसके अंदर भी ये एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन यहाँ पे कर दिया गया। इसके एग्ज़ाम्स भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अप्रैल महीने में ही लिए जाने थे। और सबसे बड़े एग्ज़ाम्स के अगर अपन चलते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो रीट का एग्ज़ाम्स और जो बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, ये दोनों ही यहाँ पे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। हालांकि अभी तक इनकी कोई कंफर्म डेट नहीं डाली गई है। तो अधीनस्थ बोर्ड के अंदर भी सभी एग्ज़ाम्स को यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अपने पास में जो रीट एग्ज़ाम्स थे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने थे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के, उनको भी यहाँ पे स्थगित कर दिया गया। हालांकि अभी कभी एग्ज़ाम होंगे, कैसे होंगे, अभी तक यहाँ पे बोर्ड के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो जैसे ही इनके ऊपर जो न्यूज़ अपडेट होगी, तो हम लोग आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल्स पे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन्स को दोबारा ना भूलें, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिल सके। तो अपन चलते हैं इस न्यूज़ को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियोज़ के माध्यम से। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, तो अब तक के 5 परीक्षाएं यहाँ पे स्थगित हो चुकी हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे मेन स्क्रीन पे, ये 5 भर्तियाँ यहाँ पे कुल हैं, जो जिसके अंदर से मैं बात करूं तो ये सभी स्थगित यहाँ पे कर दी गई हैं बोर्ड के द्वारा, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना वायरस के संकट को ये देखते हुए ये बड़ा एक कदम उठाया गया है सभी गवर्नमेंट्स के द्वारा। अगर मैं बात करूं तो ये कर्मचारी बोर्ड की जो थी, 3 परीक्षाएँ होनी थी, और आरपीएससी की परीक्षाओं के अंदर 2 परीक्षाएँ थी। एक तो आपका वेटनरी ऑफिसर था, एक आपका लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम्स यहाँ पे होना था, वो भी यहाँ पे पोस्टपोन हो चुका है। अगर बात करें आरएस मेंस 2018 की, तो यहाँ पे एग्ज़ाम यहाँ पे करवा लिया गया है, परंतु इसका रिजल्ट्स तो जो था वो अभी पेंडिंग में था। हालांकि अभी इसको वापस पेंडिंग में संशय की दशा से इसको देखा जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स का जो रिजल्ट्स है अभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको पता है कंप्लीट कंट्री में लॉकडाउन की सिचुएशन चलते हुए ऐसे पे कदम उठाना एक गलत बात है। आगे चलें तो इसकी बात करते हैं अपन रीट के एग्ज़ाम्स की, तो रीट का एग्ज़ाम्स भी मैं आपको बात करूं तो ये आयोजन के लिए 2 अगस्त की तारीख यहाँ पे तय की गई थी, यानी 2 अगस्त को इसका आयोजन करवाना था। लेकिन अभी तक इस पर विज्ञप्ति भी कोई जारी नहीं हुई किस प्रकार से इसका सिलेबस होगा, कैसे कैसे इसका प्रोसीजर होगा, ऑनलाइन आवेदन कब से भरे जाएंगे, किसी प्रकार की यहाँ पर इस पर डिस्कस नहीं किया गया है।
और इधर अगर अपन बात करें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो बोर्ड एग्जाम्स होने थे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो होने थे उनको यहाँ पे 19 मार्च को स्थगित यहाँ पे कर दिया गया था। हालांकि अभी तक बोर्ड के द्वारा यहाँ पे कोई प्रकार की इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं की गई है, तो इसका मतलब अभी तक ये स्थगित एग्जाम्स है। 14 अप्रैल के बाद में ही इनके ऊपर एक निर्णय लिया जाएगा, एक आदेश यहाँ पर जारी किया जाएगा, जिसको अपन वीडियोज़ के माध्यम से भी डिस्कस करेंगे। अगर बात करूं तो इसके 12 अप्रैल को ये आपके लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का थर्ड का एग्ज़ाम्स होना था, 19 अप्रैल को फार्मासिस्ट का होना था, 10 मई को आपका कृषि अन्वेक्षक कृषि विभाग में होना था। इस सभी परीक्षाओं को यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक होनी थी, तो इस सभी को उनको पोस्टपोन यहाँ पे कर दिया। हालाँकि नई डेट कब आएगी कैसे आएगी अभी तक ये बोर्ड के द्वारा नहीं कहा गया है। उसके बाद में अपन बात करें तो आपका आरपीएससी के अंदर जो वेटनरी ऑफिसर यानी पशु चिकित्सक अधिकारी का था, उसके बाद ग्रेड सेकंड लाइब्रेरियन का था, ये एग्ज़ाम्स भी यहाँ पे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो आने वाले समय में जो भर्तियाँ होंगी वो भी आगे खिसक सकती हैं, यानी जो भर्तियाँ नेक्स्ट टाइम में आएंगी यानी 2 महीने बाद आएंगी, 3 महीने बाद आएंगी, उनके ऊपर भी डायरेक्टली ये इसका इम्पैक्ट होना ही होना है, तो उन एग्ज़ाम्स पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आरएस मुख्य परीक्षा के परिणाम का भी अभी इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, यानी जो लोग आरएस मेंस क्लियर यहाँ पे कर चुके हैं, इंटरव्यू कॉल्स के लिए वेट कर रहे थे, यानी मेरा कहने का मतलब मेंस एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट यहाँ पे वेटिंग था उसके आधार पर जो इंटरव्यू होना था वो लोग भी यहाँ पे इनका भी एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट नहीं निकाला जाएगा। हालांकि ये लंबे समय तक इसका इंतजार कर रहे थे, कोर्ट का वेट कर रहे थे किस प्रकार से यहाँ पे कोर्ट इनको आदेश दे कि एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट यहाँ पे घोषित कर सके, लेकिन अभी तक इसका कोई निर्णय यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। मैं कांस्टेबल की बात करूं तो इसका जो अपडेट था मई में आ चुका था, एग्ज़ाम्स का शेड्यूल भी आ चुका था, परंतु इस कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए इसको भी और आगे बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है बोर्ड के द्वारा। आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो हैं जो डिपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं ये मैंने आपको डिस्कस कर दिए पहले स्टार्टिंग में, तो ये एग्ज़ाम्स हैं सभी को पोस्टपोन यहाँ पे कर दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स थे होने थे, और मैं बात कर देता हूँ आरबीएससी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स का एग्ज़ाम होना था कक्षा 10 एंड 12th के लिए, अभी तक इसके ऊपर कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ। जैसे ही आदेश जारी होगा तो हम आपको वीडियोस के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। थैंक यू।